Health for All. Everyone everywhere today is celebrating World Health Day. ये दिन 7th April को हर साल मनाया जाता है all across the world with the aim to create awareness about our own health and well-being. आज के दिन organizations and government individuals के लिए एक platform serve करते हैं जिसके through positive health and health equity promote की जाती है. हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मेखला चंद्रा और मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन एंड ओबेसिटी मेडिसिन. हमने टाटा वन एमजी पे इनिशिएटिव लिया है एंड विल डिस्कस अबाउट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स क्यों ज़रूरी हैं. आज के टाइम में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ पोल्यूशन, खाने में एडल्ट्रेशन, प्रोसेस्ड फूड, इंक्रीज स्ट्रेस, ये सारी आपकी रिस्क बढ़ाती हैं फॉर एक्वायरिंग डिजीजेस एंड समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा होने चाहिए ताकि हम उन डिजीजेस को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें, उनके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें बिफोर दे बिकम अ बिग प्रॉब्लम. आज हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. तो क्या बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के? हम किसी भी फ्यूचर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को जान सकते हैं और उनके अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आगे जाके कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं. इस प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहते हैं. कुछ कैंसर्स के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग एज अप्रोप्रिएटली भी करी जाती है. ऐसा करने से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ के कुछ साल बढ़ा भी सकते हैं. कुछ हेल्थ चेकअप्स में आपकी वैक्सीन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं बाय द डॉक्टर जो एज अप्रोप्रिएटली रिकमेंडेशन में आती हैं. So who needs to have regular health checkups? ये health checkups हर किसी को recommended होते हैं, but more so जो at risk होते हैं. आजकल youth are at higher risk of developing cardiovascular and metabolic syndrome, क्योंकि वो दिन भर laptop पे रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, exercise की कमी है, motivation की कमी है, या stress बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. बाकी एल्डरली लोगों को अपना रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना चाहिए क्योंकि देयर आर मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिजीजेस क्योंकि एज के साथ इम्यूनिटी लेवल भी कम होता जाता है. अब बात करते हैं कि इन रेगुलर लैब टेस्ट्स में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं. सबसे पहले आता है जनरल बॉडी चेकअप जो आप घर पर भी कर सकते हैं. दैट इंक्लूड्स वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड पल्स. सेकेंड टेस्ट आता है लिपिड प्रोफाइल जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, HDL ये सब इंक्लूडेड होता है एंड देयर गुड इंडिकेटर्स फॉर कार्डियक हेल्थ मॉनिटरिंग. तीसरा आता है लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें फैटी लिवर डिजीज़, अल्कोहल लिवर डिजीज़ ये सारी डिजीज़ को हम स्क्रीन कर सकते हैं एंड मॉनिटर कर सकते हैं. एंड मोर कॉमनली इज़ द ब्लड शुगर या HbA1c टेस्ट जो हेल्प करता है प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ को डायग्नोज करने में. हेल्थ चेकअप के दौरान हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके डॉक्टर आपसे कोई भी मेडिकल हिस्ट्री पूछें, उसको ना छुपाएं, पूरी डिटेल में अपनी हिस्ट्री बताएं. अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की पूरी डिटेल अपने डॉक्टर को बताएं. कुछ भी आप ना छुपाएं, सब कुछ डिटेल्स में बताएं. इस इंफॉर्मेशन से आपके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी. सो ऑन दिस वर्ल्ड हेल्थ डे लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे एंड थ्रू रेगुलर हेल्थ चेकअप कोई भी बीमारी से पहले ही बच सकेंगे. सो आज हमने डिस्कस किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स. ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे टाटा वन एमजी के चैनल से जुड़े रहें.